पीपीसी चैनल, पीपीसी चैनल आपका अपना चैनल। खुदावन के बाबरकत नाम में आप तमाम कलीसिया की सलामती हो। आज की इस हसीन सुबह के लिए खुदावन की तहे दिल से शुक्रगुजारी करें कि जो आज हमें दिन बख्शा गया और इस दिन की नेमतों और बरकतों के लिए हम कितने खुशनसीब हैं कि आज का दिन देखने के लायक हुए हैं। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें एक मरतबा फिर नई ज़िंदगी बख्शी। नई ज़िंदगी इस सूरत में बख्शी है कि हम सो के उठे हैं और हम तमाम शैतानी कुवतों से बचे रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी नेमत है कि जो खुदा ने आज हमें बख्शी है। तो इस नेमत के लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, उन सब लोगों के लिए भी कि जो अभी सो रहे हैं, कि हमारी खुदावन से यही दुआ है कि खुदा उनको सेहत और तंदरुस्ती के साथ उठाए और वो उठकर अपने काम का आगाज़ जो है वो सबसे पहले खुदावन के कलाम से करें। और खुदावन के कलाम से जब हम अपने कामों का आगाज़ करते हैं तो सारा दिन खुदा के अहकामात, खुदा के जो कवानीन हैं वो हमारे जहन में रहते हैं और हमारे लिए खुद ब खुद सारी राहें जो हैं वो इस्तवार होती चली जाती हैं। और ये उसी सूरत में होता है कि जब हम अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो खुदावन के कलाम को देते हैं। तो आज के दिन के लिए हम खुदावन का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जो भला है, खुदा जो नेमते और बरकतें बख्शने वाला खुदावंद है, वो हमें हर चीज़ अनायत करता है। हम इंसान होते हुए बहुत दफ़ा खुदा की दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए उसकी नाशुक्री करते हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद हमें वो सब कुछ मुहैया करता है कि जिसका बाप ने हमसे वादा किया है। हम भले ये सोचते रहें कि हमने खुदा की नाफरमानी की है तो शायद खुदा अपनी बरकतों के दरवाज़े हम पर नहीं खोलेगा, लेकिन ये हमारी गलत फहमी है। खुदा मेहरबान है, खुदावंद शफीक खुदावंद है, वो सब पर रहम करने वाला खुदावंद है। हम हज़ार हाँ गलतियाँ करें तब भी वो हमारी गलतियों और कोताहियों को बख्श देता है और वो हमारी माफ़ी तक की नौबत लाता है। इन सब बातों के लिए आज की हसीन सुबह में हम खुदावंद का तहे दिल से शुक्र अदा करें कि हम बारहा गुनाह करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा और आपका खुदावंद हमारे लिए अपनी नेमतों और बरकतों के दरवाज़े खोले बैठा है। तो आएँ आज हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से सुनेंगे ज़बूर 32 और उसकी पहली दो आयात। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावन हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना मेरे लिए और आप सबके लिए वैसे बरकत हो, आमीन। आज हमें ज़बूर नवीस जिस चीज़ की तरफ हमारी याद दहानी कराना चाहता है और वो है मुबारक है वो आदमी जिसकी खता बख्शी गई, यानी कि मुबारक हैं वो लोग जिनकी खताएं जो खुदा याद नहीं रखता। अगर हम देखें तो हम बारहा गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं और हम बहुत दफ़ा इंसानों से छुपा लेते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदावन जो है, जो हर वक्त और हर जगह जिसकी आंखें हमें देखती हैं, चाहे हम पाताल में हों, चाहे हम जहां कहीं भी मर्जी हों, खुदावन की आँखें हमें देखती हैं। और वो शख्स कितना मुबारक है कि खुदा को पता भी होता है कि इस शख्स ने गुनाह किया, लेकिन खुदा आदमियों के सामने उस बंदे को शर्मिंदा नहीं होने देता। तो ये खुदावंद का रहम है, खुदावंद की मेहरबानी है हम उन इंसानों के लिए कि जो क्या है, जिनकी खताएं बख्शी जाती हैं। और ये अहम काम जो है और ये सबसे बड़ा काम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ही हमारे लिए कर सकता है। अगर हम इंसान होते हुए अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे पर नज़र डालें तो क्या हम अपनी छोटी छोटी गलतियों और कोताहियों को बख्शते हैं? अगर हमारा कुलीग कोई गलती या खता करता है तो क्या हम उसको माफ़ करते हैं? हम माफ़ नहीं करते। अगर हम किसी प्रोफेशन में हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि मैं इस बंदे की गलती को है वो सबके सामने क्या कर दूँ, ओपन कर दूँ, ताकि वो दूसरे लोगों के सामने क्या हो, शर्मिंदा हो। लेकिन मेरा और आपका खुदावंद ऐसा कभी नहीं चाहता और ना कलाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम ये काम करें, क्योंकि जब खुदा हमारी गलतियों और कोताहियों को बख्शता है तो फिर इंसान होने के नाते ये हम पर भी लाजिम है कि हम भी एक दूसरे की गलतियों और कोताहियों को क्या करें, बख्श दें।
क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की गलतियों कोताहियों को नहीं बख्शेंगे, मेरा और आपका खुदावंद जो है वो हमारी खताओं को भी नहीं बख्शेगा। अगर रूह ज़मीन पर रहकर अगर हम एक घर में हैं या एक इदारे में हैं या एक अगर आप किसी स्टेटस पे खड़े हैं और आप गलती कोताही करते हैं और आपके कुलीग आपकी वो सेफ साइड रखते हैं, तो ये आपके कुलीग का आपके लिए क्या है? प्यार है। आपके साथी का आपके लिए क्या है? प्यार है। तो ये प्यार के तो फैल ही हम एक दूसरे की गलतियों और कोताहियों को क्या कर देते हैं? बख्श देते हैं। तो बख्श देना ये नहीं होता कि हम अगर हमने बख्श दिया है तो हम किसी जगह बैठे हैं तो हम उस चीज़ को डिस्क्लोज कर दें कि भाई फलाँ ने फलाँ जगह ये गलती की थी तो मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसकी गलती को क्या किया है, छुपाया है, और आप 10 लोगों में बैठकर उसी बंदे की उस गलती को सबके सामने खोल रहे हैं। ऐसा हरगिज़ मत करें। अगर खुदा ने आपको बरकत बख्शी है, खुदा ने आपको ये स्टैमिना दिया है कि आप दूसरों की गलतियों और कोताहियों को माफ़ करते हैं, तो खुदा आपको इसके तफैल बहुत बड़ी बरकत देगा। आज खुदावन के जिंदा कलाम में भी लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। गुनाह ढांकना सिर्फ खुदावन का काम है। हम इंसान रूह ज़मीन पर जो कुछ भी करते हैं, गुनाह करते हैं, रियाकारी करते हैं, शहवत परस्ती करते हैं, हसद करते हैं, ऐब जोही करते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदावन इन सब चीज़ों को ढांप देता है। और ये ढांपने का अमल क्यों है? क्योंकि मेरा और आपका खुदावन मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। और जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो याद रखिएगा, इंसान होने के नाते जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो छोटी छोटी गलतियों को और कोताहियों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर कोई गुनाह भी हो जाता है तो अगर हम उस शख्स से मोहब्बत करते हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, आगे को तुम ये काम नहीं करना। तो याद रखें कि जो मेरा और आपका खुदावंद है, जो आसमान पर बैठा है, वो हम सबसे कितना प्यार करता है। हम दिन में 7 मरतबा भी गुनाह करते हैं अजीज़ों, तो याद रखिएगा कि मेरा और आपका खुदावंद हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। मुबारक है वो आदमी के जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता। हमें हर दफ़ा, हर मौका पर, हर वक्त खुदा हमें चांस ज़रूर देता है कि अगर हमने एक गलती की है तो उस गलती को हम बार बार दोहराएं नहीं। और ये खुदावन उसी सूरत में हमारी गलती को हिसाब में नहीं लाएगा जब हम उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा वो गलती कर ली है और आप दोबारा वो गलती कर रहे हैं और दोबारा आप माफ़ी मांगते हैं तो खुदावन माफ़ कर देता है। तीसरी मरतबा जब आप गलती करते हैं, तीसरी मरतबा भी खुदावन माफ़ करता है। लेकिन जब आप 7 मरतबा वही गलती दोबारा दोहराएंगे तो अजीज़ों जान रखें कि फिर खुदावन आपकी गलती को और आपकी बदकारी को ज़रूर हिसाब में लाएगा। फिर शायद हमारे लिए कोई कलाम में भी छूट नहीं होगी कि हमने ये गुनाह किया और खुदा हमें छोड़ देगा। क्योंकि खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है कि 7 के भी 70 बार हम माफ़ करने के भी हकदार हैं, लेकिन जब हम इससे ज़्यादा तजावज़ करेंगे तो याद रखें कि फिर वो हमारी बदकारी को हिसाब में लाएगा। और वह जब हिसाब में लाएगा तो वह तमाम सज़ाएँ हमें मिलेंगी जो खुदा ने गुनाह के वसीला से हमारी ज़िंदगी में लिखी हैं। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा हमें बरकत दे कि हम अगर खुदा ने हमारी बदकारियों को, खुदा ने अगर हमारे गुनाहों को, खुदा ने अगर हमारी गलतियों को माफ़ किया है तो फिर हम उन गलतियों को, उन कोताहियों को दोबारा अपनी ज़िंदगी में ना लाएं। क्योंकि खुदावंद मेहरबान खुदावंद है, वो हर एक चीज़ को बदलने की कुदरत रखता है। आप जब भी सुबह उठकर खुदा से शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं तो हमेशा खुदा से अपनी खताओं की बख्शिश की दुआ किया करें, खुदावंद से अपनी बदकारी को माफ़ करने की दुआ किया करें। खुदा हमारी छोटी छोटी बदकारियों को माफ़ करें। कि जब हम खुदा से माफ़ी मांगते हैं तो याद रखें, अगर हम दिल के साथ माफ़ी मांगते हैं तो खुदा हमारी हर एक दुआ को सुनता है। क्योंकि वो बड़े बड़े मौजज़ात करने की कुव्वत रखता है, तो वो हमारी बदकारियों को भी याद नहीं रखेगा। लेकिन याद वो उसी सूरत में नहीं रखेगा कि जब हम दिल से उससे शुक्रगुजारी करेंगे, दिल से उससे माफ़ी मांगेंगे और दिल से दोबारा उस गलती को दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। और कितने मुबारक हैं वो लोग कि जिनके दिल में मकर नहीं है। मकर क्या? कि हम दूसरों के लिए गलत मंसूबे नहीं बांधते। आज हम अगर अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हर शख्स दूसरे शख्स का गला काटने के लिए बैठा हुआ है। वो हमेशा हर शख्स की यही कोशिश होती है कि अगर मेरे पास कुछ अच्छा है तो वो दूसरे के पास ना चला जाए। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा हमें इतनी हिम्मत और ताकत अनायत करे कि आज के कलाम के वसीला से हम मुबारक लोगों में शामिल हों, हम उन लोगों में शुमार हों कि जिनके दिल में मकर नहीं है,
फरेब नहीं है, झूठ नहीं है, दूसरों के लिए नफरत नहीं है। अजीज़ो, मॉर्निंग प्रे का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम घंटों खुदा की हजूरी में झुकें और खुदा के साथ हम बातें तो करते हैं लेकिन हम दिल से उन चीज़ों का इकरार ना करें या दिल से हम खुदावन के कलाम को कबूल ना करें। मॉर्निंग प्रे का मतलब है कि जब हम आज की हसीन सुबह में उठे हैं और हमने खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम सुना है तो फिर उस कलाम को हम अपने दिलों में भी जगह दें कि लोग खुदावन के कलाम को सुनते हैं। वक्ती तौर पर तो वो सुन लेते हैं और सुनते हैं और कहते हैं कि हाँ जी शाबाश, फलां खादम ने बहुत अच्छा खुदा का मैसेज जो है वो हम तक कन्वे किया, मीडिया के ज़रिए भी। और जब घरों में भी पास्टर्स दुआ के लिए आते हैं तो लोग बहुत उनको अप्रिशिएट करते हैं कि जी पास्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें कलाम की बहुत अच्छी बात बताई। इन सब बातों के साथ साथ जब हम सुबह मॉर्निंग प्रे करते हैं तो हमारा मकसद है कि जब हम सुबह उठकर खुदावन के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं तो खुदावन के ज़िंदा कलाम को अपने दिलों की ज़मीन पर भी जगह दें। क्योंकि जब हमारे दिल इतने सख्त हैं कि हम एक कान से तो सुनते हैं लेकिन दूसरे ही लम्हे हम दूसरे कान से उस कलाम को खारिज भी कर देते हैं। आज जो खुदा ने हमें ये सेहत, तंदुरुस्ती, अकल और दनाई बख्शी है तो फिर क्यों ना इस अकल और दनाई के वसीला से हम खुदावन के कलाम को अपने दिल की ज़मीन नरम करके जगह दें ताकि वो हमारे दिलों की ज़मीन पर जड़ पकड़े। क्योंकि जब हमारे दिलों की ज़मीन पर कलाम जड़ पकड़ता है तो हमारे दिल में किसी के लिए बदी नहीं होती, फिर किसी की खता को भी हम मुस्तकिल अपने दिल में जगह नहीं देते। और जब हम किसी के मुस्तकिल गलती को अपने दिल में जगह नहीं देते तो फिर खुदा हमारी बदियों को और हमारे गुनाहों को जो है वो हिसाब में नहीं लाता। लेकिन अगर हम बदियों को इसी तरह जारी रखें, अपने दिल में मकर रखें, दूसरों के लिए नफरत रखें तो फिर याद रखिएगा कि फिर हम उन लोगों में कभी भी शुमार नहीं होंगे कि जिनकी गलतियों को खुदा अपने हिसाब में नहीं लाता, बल्कि फिर हम उन लोगों में शुमार किए जाएंगे कि जिनके गुनाहों का खुदा हिसाब रखेगा। और आज के दिन के वसीला से खुदा हमें अपने कलाम पर चलने का फजल बख्शे कि हमारी जो खताएँ बख्शी गई हैं उन खताओं के तुफैल हम हमेशा नेकी की तरफ रागिब रहें, हमारे ख्यालात हमेशा अच्छे मंसूबे बांधें, हमारा दिल हमेशा अच्छी बातें सोचे, हमारे लब हमेशा अच्छी प्रस्तुति करें, अच्छे अल्फाज निकालें ताकि हमारे अल्फाज से भी दूसरों को दुख ना पहुँचे और हमारे दिल मकर से खाली रहें। अगर हमारे दिल में खुदा का कलाम है तो याद रखें कि हमारे दिल में कभी अबलीस बसेरा नहीं कर सकता। जब हम दिलो जान के साथ खुदावन की हजूरी में झुकते हैं और सबसे पहले उठकर हम खुदावन के हजूर झुककर अपनी मिन्नतें और दरख्वास्तें पेश करते हैं तो याद रखिएगा, शायद आपको हर रोज़ ये सुनकर लगेगा कि हम मॉर्निंग प्रे में दुआ करते हैं या हम मुख्तलिफ पास्टर्स के वसीला से खुदावन का कलाम सुनते हैं तो खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप उन तमाम लोगों से पूछें या उन तमाम लोगों से मिलें कि जो कलाम के वसीले से खुदा की ढेरों बरकत हासिल करते हैं और इन दुआओं के तुफैल वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ पाते हैं। और खुदा उन लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लेके आता है जिनके दिल मकर से पाक होते हैं, जिनकी बदकारियां खुदा माफ़ करता है और उनकी दुआओं को भी खुदा कान लगाकर सुनता है। जब भी आप खुदावन की पाक हुजूरी में झुकें, खुदा से अपने लिए बरकत की दुआ चाहें, सुलह सलामती की दुआ चाहें, अपने ख़ानदान के लिए सुलह सलामती की दुआ चाहें, तो मेरा ईमान है कि खुदा इन तमाम दुआओं को सुनने की कुदरत रखता है। हम ये दुआ मांग लेते हैं बड़े ईमान के साथ यसु के कादर नाम में, आमीन। आज मैं ख़ास दुआ करती हूँ सोत्रा हाउस फैमिली के लिए, जिन जो कि टाउनशिप 4 ब्लॉक से हैं, के भाई जावेद, भाई परवेज़, भाई नदीम और भाई जुल्फ़िकार, भाई एलान अनवर। मैं भाई आप सब के लिए दुआ करती हूँ, आप लोगों की मिसेस के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके तमाम बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए कि जो इस वक्त चैनल पर मुझे देख रहे हैं, कि खुदावन आपकी तमाम फैमिली को अपनी तमाम बरकात से मालामाल करें और आपके घरों में और आपकी फैमिलीज में जो कोई कमी कमजोरियां हैं खुदावन आज की दुआ के वसीला से खुदा उन तमाम कमी कमजोरियों को दूर करे और आप अपने घर में खुशी और कामरानी के साथ रहें। आएँ आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदावन मसीह बाप यसु, बैरोबर के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो आज के कलाम के लिए कि जो तूने हमारी रहनुमाई के लिए बख्शा, कि मुबारक हैं वो लोग जिसकी खताएं बख्शी गईं और मुबारक है वो शख्स जिसके मुंह में मकर नहीं है। वापस मानी आज की हसीन सुबह हमें तो बड़ी हिम्मत और ताकत अनायत कर कि आज का सारा दिन हमारा ध्यान तेरे कलाम की बातों की तरफ लगा रहे। हम जब इस हसीन सुबह में उठे हैं तो उस हसीन सुबह में हमें अपने कलाम पर चलने का फजल बख्श, हमें हर किस्म के फरेबी दुश्मन के फंदों से बचाए रख। आज ख़ास तौर पर दुआ इल्तिजा करती हूँ
सोत्रा हाउस फैमिली के लिए कि बाप आसमानी इस तमाम ख़ानदान को तो अपनी पाक पनाहों में रखना, और बाकी चार ब्लॉक के तमाम लोगों के लिए भी तुझसे बरकत की दुआ चाहती हूँ कि अपने तमाम लोगों के साथ होना, उनकी बड़ी मदद रहनुमाई करना। जो लोग अभी उठे हैं उन सब के लिए भी तुझसे बरकत की दुआ चाहती हूँ। और आज ख़ास दुआ इल्तिजा करती हूँ कि जिन लोगों के कारोबार बहाल हुए हैं, कैसमानी बाप जिन लोगों के कारोबार बहाल नहीं हुए अपने बेटों और बेटियों के कारोबार को पहले की तरह बहाल कर, ताकि ऐ बाप जिनके घर में तंगी और तकलीफ़ है उनके कारोबार की वजह से उनकी तमाम तंगी और तकलीफ़ें तेरे नाम के वसीला से दूर हों। मैं दुआ इल्तिजा करती हूँ उन तमाम लोगों के लिए कि जो खुदा मसीह बाप हर रोज़ सुबह मेहनत मजदूरी के लिए निकलते हैं, कि जिस तरह वो खुशी और सलामती के साथ अपने घर से जाते हैं इसी तरह वापस लौट कर बाप तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सकें। मैं दुआ इल्तिजा करती हूँ तमाम कलीसियाओं के लिए कि जो मुख्तलिफ़ तरीके से खुदा उनकी खिदमत को सरंजाम देते हैं और खुदा उनके कलाम को भी सुनते हैं, बाप आसमानी एक एक जान के साथ हो, एक एक जान को छू और अपने नाम से ब्लेस कर। तेरा पाक बरकत वाला हाथ हमेशा तेरी बेटियों और तेरे बेटों पर बड़ा रहे, तमाम कलीसियाओं पर बड़ा रहे। मैं तमाम लोगों के लिए दुआ इल्तिजा करती हूँ कि जो किसी मुसीबत परेशानी या टेंशन में हैं, कि आज के कलाम के वसीला से बाप अपनी बेटियों और बेटों की तमाम टेंशनों को तो अपने कभी हाथों में ले, क्योंकि बाप आपने खुद कहा कि जो कुछ भी तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आज हम ये तमाम दुआएं बड़े ईमान के साथ आपके सुंदर कदमों में रखते हुए आपसे मिन्नत करते हैं आसमानी बाप के हमारी दुआओं को सुने और कबूल करें, ताकि बाप जब तेरी बेटियां और बेटे दोबारा हमसे मिलें तो बाप आसमानी तेरे नाम की गवाही देने के लायक हों। दुआ इल्तिजा करते हैं तमाम स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए और तमाम असातिज़ा के लिए कि बाप आसमानी अपनी बेटियों और बेटों को बड़ी बरकत दे, ताकि जिस तरह वो पहले अपने तालीम के मैदान में पेश पेश थे इसी तरह इन हालात में भी बाप तो अपनी बेटियों और बेटों को अपनी पाक हजूरी में रखना, उनके जहनों को खोल, ताकि जिस तरह वो पहले अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर रहे थे दोबारा जब वो अपने इंस्टीट्यूट्स में जाएं तो वो उसी तरीके से अपनी तालीम को जारी रख सकें। दुआ इल्तिजा करती हूँ जो लोग घरों में रहते हैं उनके लिए भी बरकत की दुआ चाहती हूँ, तेरी बेटियों के लिए कि जो खुदा मसीह बाप जिनके यहाँ औलाद नहीं है अपनी बेटियों को औलाद जैसी नेमत अनायत कर, ताकि बाप वो झोलियाँ भर कर उठें तो तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सकें। मैं दुआ इल्तिजा करती हूँ तमाम PPC चैनल की टीम के लिए भी कि बाप आसमानी इस सारी टीम को तो बड़ी बरकत दे, ताकि ऐ मसीह बाप तेरी बेटियाँ और बेटे इसी तरह खुशी और शादमानी के साथ तेरे कामों में भर चढ़ कर हिस्सा लें और तेरे नाम को फैलाने का सबब बने। हम ये दुआ मांग लेते हैं बड़े ईमान के साथ आपके मीठे कादिर और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। अजीज़ों, मेरा ईमान है कि खुदावन मसीह बाप जो दिल और गुर्दों का जांचने वाला बाप है, आज इस दुआ के ज़रिए खुदा ने हमारी दुआओं को सुना और मेरा ईमान है कि वो कबूल भी करेगा। तो खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, ताकि हम इसी तरह हर रोज़ खुदावन की हजूरी में झुकते रहें, खुदावन से ईमान के साथ मांगते रहें और याद रखें कि खुदा ईमानदारों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। खुदावन आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। PPC चैनल देखने वाले तमाम बहन भाइयों को खुदावन बहुत सारी बरकत दे। PPC चैनल की तमाम नशरियात आप YouTube पर भी देख सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि PPC चैनल को YouTube पर सर्च करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, ताकि PPC चैनल के तमाम प्रोग्राम आप तक पहुंच सकें। खुदावन आप सबको बरकत दे, आमीन।